यातायात नियमों व जुर्मानों के प्रावधानों में भारी बदलाव किया गया है। इस नए नियमों व जुर्माने के साथ यातायात पुलिस ने अगस्त माह की शुरुआत के साथ ही कार्रवाई का दौर शुरू किया। यातायात निरीक्षक पुरखाराम के नेतृत्व में जवानों ने चौहटन सर्किल के साथ कई मुख्य मार्गों पर चालान की कार्रवाई की। वहीं भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए कई वाहन चालक यू टर्न लेकर भागते नजर आए। केंद्र सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर को देश भर में लागू किया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे संशोधित करते हुए 10 माह बाद इसे प्रदेश में लागू किया है। बाड़मेर में जिला पुलिस अधीक्षक ने यातायात नियमों की जुर्माना राशि में बदलाव को लेकर आमजन को जागरूक करने एवं यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया और कुछ दिन समझाइश के बाद शनिवार को नए MV एक्ट के तहत नियमों की अवमानना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान प्रक्रिया का दौर शुरू किया। शनिवार को शहर के चौटन सर्किल पर यातायात प्रभारी पुरखाराम के नेतृत्व में यातायात कर्मियों ने बिना हेलमेट, बिना नंबरी वाहनों, लाइसेंस एवं पर्याप्त दस्तावेज न होने समेत चौपहिया वाहनों के चालकों का सीट बेल्ट न उपयोग करने को लेकर समझाइश की और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों से नए एक्ट के तहत जुर्माना वसूलने के साथ साथ चालान भी काटे। वहीं यातायात कर्मियों ने 3 सवारियों, बिना मास्क पाए जाने वाले दोपहिया वाहन चालकों के चालान काटकर सख्त हिदायत दी। यातायात प्रभारी पुरखाराम ने बताया कि प्रदेश में नए MV एक्ट के तहत जुर्माना राशि बढ़ाए जाने के बाद भी नियमों की अनदेखी सामने आ रही है। इसके लिए यातायात पुलिस अनाउंसिंग कर आमजन से समझाइश करने के साथ चालान भी काट रही है। साथ ही बिना मास्क पहने वाहन चालकों का भी चालान काटने के साथ समझाइश की जा रही है। प्रभारी पुरखाराम के अनुसार शहर के मुख्य चौराहों पर शनिवार को 25 वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिसमें बिना मास्क दोपहिया वाहन चालक भी शामिल हैं। मैंने श्रीमान एसपी साहब के आदेश पर शहर के अंदर 2-3 रोज टैक्सी द्वारा लगा करके बताया, नए कानून के बारे में बताया गया, हर जगह टैक्सी भेजी गई और नए नियमों के लिए बताया गया कि भाई नया नियम लागू हो गया है, टैक्सी का और चालान ज़्यादा कटेगा, हेलमेट का चालान कटेगा। सब नए नियमों के कारण हम काफ़ी समझाइश कर रहे हैं और भी चालान भी कर रहे हैं। तो किन किन चौराहे पे आज कितने कितने चालान का? हमारे जो बाड़मेर जिले के अंदर जो भी पॉइंट लगे हुए हैं, सिंगल चौराहा है, टी पॉइंट है, ईशा सर्कल है, तो चौराहा है, सभी जगह एडवांसों द्वारा रोक रोक करके समझाई करके बिना हेलमेट वाहन चलाने के समझाइश करके चालान काट रहे हैं। इसको समझाइश कर रहे हैं और चालान भी काट रहे हैं बिना मास्क के। दूर हर प्रत्येक जो भी, जबकि शहर के अंदर आज के समय के अंदर सबसे ज़्यादा मास्क पहन के निकलते हैं, फिर भी आने वाले को प्रदेश में MV एक्ट लागू किए जाने के बाद जुर्माना राशि में भारी बढ़ोतरी हुई है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पाए जाने पर दोपहिया वाहन पर 3 सवारी होने पर, बिना हेलमेट, तेज रफ्तार वाहन चलाते समय चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये की जुर्माना राशि और लापरवाही पूर्व ड्राइविंग करने पर पहली बार 1,000 रुपये एवं दूसरी बार 10,000 रुपये तक की जुर्माना राशि, वाहन का बीमा नहीं होने पर 2,000 की जुर्माना राशि, भारी वाहनों में अत्यधिक भार ढोने पर न्यूनतम 20,000 रुपये एवं अधिकतम 40,000 रुपये की जुर्माना राशि वसूलने का प्रावधान तय किया गया है। वहीं भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए वाहन चालक यू टर्न लेकर भागते नजर आए।